लॉ ऑफ टॉर्च के इस लेक्चर सीरीज में आज हम उन सभी मैक्सिम्स के बारे में बात करेंगे जिन मैक्सिम्स के वजह से लॉ ऑफ टॉर्च एग्जिस्टेंस में आया है, या उन सभी मैक्सिम्स के बारे में बात करेंगे विच आर द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्च, जो कि क्या है, फाउंडेशनल बेसिस हैं लॉ ऑफ टॉर्च के। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ टॉर्च के बेसिक मीनिंग को समझा, हमने ये जाना कि टॉर्च क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्च, टॉर्च के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, और टॉर्च के डेफिनेशन को हमने पढ़ा था इन द वर्ड्स ऑफ विनफील्ड सालमन ब्लैकस्टोन, राइट। तो आज इस वीडियो में हम उन मैक्सिम्स से डील करेंगे विच आर द फाउंडेशनल बेसिस रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ टॉर्च एज अ लॉ, राइट। बेसिकली तीन मैक्सिम्स हैं जिनके वजह से लॉ ऑफ टॉर्च एग्जिस्टेंस में आया है। सबसे पहला है इंजूरिया साइन डैमनम, दूसरा है ओबी जस ईबी रेमेडियम, और तीसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। इस वीडियो में हम इंजूरिया साइन डैमनम इस मैक्सिम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ लीडिंग केसेस भी देखेंगे, जैसे एसबी वर्सेस वोइट, भीम सिंह एमएलए वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये मैक्सिम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा, जो आपका खुद का नोट्स होगा, जो आपके वर्ड्स में होगा, राइट। चलिए देखो, इंजूरिया साइन डैमनम, ये जो वर्ड है इंजूरिया साइन डैमनम, इट इज बेसिकली अ लैटिन मैक्सिम। क्योंकि जो लॉ ऑफ टॉर्च है वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इंग्लैंड, तो ये जो मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनम, इट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड। और अगर हम इन तीनों वर्ड्स को स्प्लिट करें, तीनों वर्ड्स को सेपरेट करें, तो अब समझो, इंजूरिया मीन्स देर इज इंजरी, देर इज इंजरी। साइन मीन्स विदाउट, एंड डैमनम मीन्स डैमेजेस। हमारा लॉ रिकॉग्नाइज करता है कंपनसेशन उन सभी एक्शंस के अगेंस्ट में जिन एक्शंस के वजह से दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। इफ द एक्शन ऑफ अ पर्सन हैव नॉट वॉयलेटेड द प्राइवेट लीगल राइट्स ऑफ अनदर पर्सन, देन प्लेंटिफ इज नॉट लाइबल टू गेट कॉम्पनसेशन। तो बेसिकली एक पर्सन का एक्शन एक्शनेबल तभी है जब इस पर्सन के एक्शन के वजह से दूसरे पर्सन का
प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। राइट तो ये जो वर्ड है इंजूरिया विच मीन्स इंजरी, या हम कह सकते हैं इंजूरिया मीन्स लीगल इंजरी। देर इज लीगल इंजरी बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट साइन वर्ड्स इंडिकेट विदाउट डैमनम वर्ड्स इंडिकेट डैमेजेस। तो इस मैगजीन का मतलब है देर इज वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ अनदर पर्सन बट देर इज नो एनी एक्चुअल डैमेजेस। उस पर्सन को कोई एक्चुअल डैमेज या फिजिकल लॉस या फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। तो इस केस में जो प्लेंटिफ है ही इज लाइबल टू गेट कॉम्पेंसेशन। तो इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है वॉयलेशन ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ डिफेंडेंट विदाउट कॉजिंग हिम एक्चुअल लॉस और डैमेज। तो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स बेसिकली जिस मैक्सिम पर बेस्ड है उनमें से जो सबसे पहला मैक्सिम है वो है इंजूरिया साइन डैमनम। और लॉ ये कहता है अगर एक पर्सन के वजह से दूसरे पर्सन का प्राइवेट लीगल राइट्स वॉयलेट हुआ है, यानी उसे लीगल इंजरी हुई है, भले ही उसे एक्चुअल डैमेज या एक्चुअल लॉस ना हुआ, हियर डैमेज मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक फिजिकल डैमेज और दूसरा मॉनेटरी डैमेजेस। तो भले ही उसे फिजिकल डैमेज या मॉनेटरी डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है देन ही इज लाइबल टू बी कंपनसेटेड। और जो कंपनसेशन होगा वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होगा, यानी ऐसे कंपनसेशन जो पहले से डिटरमिंड नहीं है, जो पहले से निर्धारित नहीं है, जिन्हें डिटरमाइन कौन करेगा, कोर्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। यही है इंजूरिया साइन डैमनम। राइट तो आई होप कि इंजूरिया साइन डैमनम क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए पढ़ लेते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स, आप चाहो तो लिख सकते हो, इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स injury of legal rights without actual damage or actual loss. It basically states that infringement of absolute private legal rights without any actual damage or actual loss. Here damnum, which means damages, it may be classified into two categories, physical damage और मॉनेटरी डैमेजेस। Therefore, plaintiff will be compensated on the basis of this maxim if there is violation of his or her private legal rights without causing him or her actual damage or actual loss. Right? अब देखो, एक हमारे पास केस है which is a leading case और
जिस केस के वजह से ये जो दो मैक्सिम्स हैं वो अस्तित्व में आए, इंजूरिया साइन डैमनम और दूसरा ओबी जुस ईबी रेमेडियम, राइट। तो अगर आपसे इन दोनों मैक्सिम्स में से कोई भी मैक्सिम पूछता है तो आप सेम केस रेफर कर सकते हो, एंड द केस इज एस बी वर्सेस वोइट, राइट। ये जो एस बी वर्सेस वोइट का केस है यूके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में या इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट में, ये एक फाउंडेशनल केस है और इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बेसिस के रूप में जाना जाता है, राइट। इसी पर्टिकुलर केस में ये कहा गया, वेयर देयर इज इंजरी इन एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल लॉस और फिजिकल लॉस, द लॉ मेक्स प्रिजम्पशन ऑफ डैमेज एंड दैट इट इज सफिशिएंट टू डेमोंस्ट्रेट दैट द राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। तो इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि अगर किसी पर्सन के एक्ट या ओमिशन की वजह से दूसरे पर्सन का प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, भले ही उसे एक्चुअल डैमेज या एक्चुअल लॉस ना हुआ हो, फिर भी ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है और ही इज लाइबल टू बी कॉम्पनसेटेड। क्या था केस, आइए समझते हैं। इन दिस केस एसबी, जो एसबी था वो प्लेंटिफ था और वॉइड जो था वो डिफेंडेंट था। राइट, जो वॉइड था ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर और इसने जो है ही स्टॉप्ड एस बी टू कास्ट हिज वोट स्टेटिंग दैट ही इज नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट। एस बी जो है वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड वोटर, इसलिए आप वोट नहीं दे सकते हो। दिस वॉज स्टेटेड बाई वोइट। एस बी इन रिप्लाई कहता है कि ही इज अ रजिस्टर्ड वोटर और वो प्रूफ भी शो करता है, एविडेंसेस भी शो करता है, लेकिन जो वोइट है ही स्टॉप्ड हिम टू कास्ट हिज वोट। नाउ एस बी फाइल्ड अ शूट अगेंस्ट डिफेंडेंट वोइट और एस बी कोर्ट में अपने साइड से ये कहता है कि माई राइट टू कास्ट वोट मस्ट बी कंटिन्यूड एंड बिकॉज इंजरी इज लीगल सो आई एम लाइबल टू बी अवॉर्डेड बाई कॉम्पनसेशन, क्योंकि मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से रोका गया एंड राइट टू कास्ट वोट इज माई लीगल राइट, तो आई एम लाइबल टू बी कॉम्पनसेटेड, राइट। अब वोइट अपने रिस्पॉन्स में, अपने डिफेंस में ये कहता है कि क्योंकि किसी प्रकार का कोई फिजिकल इंजरी या कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है तो आई एम नॉट लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू दी एस बी, राइट। जस्टिस हॉल्ट जो कि लोअर कोर्ट में जज थे, इन्होंने कहा कि देर इज नो एनी काइंड ऑफ फिजिकल लॉस और फिजिकल डैमेज बट देर इज वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट एंड राइट टू वोट इज अ मैटर ऑफ लीगल राइट, और वो जो राइट है वो
इन्फ्रिंज हुआ है एसबी का, तो कोर्ट ने फैसला एसबी के फेवर में सुनाया और 5 pounds का कॉम्पनसेशन ग्रांट किया एसबी के फेवर में। अच्छा, ये केस जब क्वींस कोर्ट में गया तो क्वींस कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। जब ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया यानी सुपीरियर कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, तो हाउस ऑफ लॉर्ड वॉज विद डिसीजन गिवन बाय जस्टिस हॉल्ट, राइट, एंड स्टेटेड दैट इंजूरिया साइन डामनम शैल बी मेड एप्लीकेबल इन दिस केस। इस केस में यानी एसबी वर्सेस वॉइड के केस में इंजूरिया साइन डामनम एप्लीकेबल होगा क्योंकि देर इज वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन डिस्पाइट ऑफ एनी फिजिकल इंजरी एंड एज पर ओबी जुस इबी रेमेडियम प्लेंटिफ मस्ट बी कॉम्पनसेटेड। तो इसी पर्टिकुलर केस में ओबी जुस इबी रेमेडियम के भी मैगजीन को इवॉल्व किया गया। ओबी जुस इबी रेमेडियम क्या कहता है समझो, वेर देर इज राइट देर इज रेमेडी, वेर देर इज राइट देर इज रेमेडी, विच मीन्स इन सिंपल वर्ड्स इंजूरिया साइन डामनम के कॉन्सेप्ट को तो इसमें हाईलाइट किया ही गया एसबी वर्सेस वॉइट के केस में, इसके साथ साथ ओबी जुस इबी रेमेडियम के भी कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया गया, विच मीन्स कोर्ट ने कहा कि वेयर देर इज वॉयलेशन ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स देर इज इंजरी, या वेयर देर इज लीगल राइट एंड इफ दैट लीगल राइट इज वॉयलेटेड देन द पर्सन whose legal rights had been violated is liable to be compensated, is liable to claim remedy, right? तो ये था ओबी जुस इबी रेमेडियम इन शॉर्ट। इस पर हम एक अलग क्लास लेंगे, राइट। अब एक और केस है विच इज भीम सिंह एमएलए वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस केस इज वेरी मच सिमिलर टू दी एसबी वर्सेस वॉइट, और इस केस में भी राइट टू कास्ट वोट का ही मामला था। भीम सिंह बेसिकली एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर से, और इन्हें अरेस्ट किया गया, इन्हें डिटेन करके रखा गया था पुलिस कस्टडी में, क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने सेडिशियस स्पीच दिया है। अच्छा, जिस समय इन्हें अरेस्ट किया गया उसी समय इन्हें पार्लियामेंट्री सेशन में एक इम्पॉर्टेंट वोट देना था, वोटिंग सेशन हो रहा था, इन्होंने ये क्लेम किया कि क्योंकि इनके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, राइट टू कास्ट वोट इज हिज लीगल राइट, और वो एक इम्पॉर्टेंट वोट था पार्लियामेंट्री सेशन में। हालांकि जिस कैंडिडेट को ये वोट देना चाहते थे वो जीत जाता है, फिर भी क्योंकि इनके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ रहता है इसलिए इन्हें कॉम्पनसेशन भी मिलता है। तो ये था भीम सिंह एमएलए वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एसबी वर्सेस वॉइट। अब अगर हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, इंजरी जो है एक पर्सन को वो डिफरेंट काइंड्स की हो सकती है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम केवल और केवल लीगल इंजरीज को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। यदि किसी पर्सन के एक्शन की वजह से
किसी पर्सन के एक्ट की वजह से दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तभी दैट पर्सन इज लाइबल टू गेट कॉम्पेंसेटेड। राइट, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स का चौराहे पर एक दुकान था, राइट, और इनके पास अपने कस्टमर्स थे, अच्छा खासा सेल था, राइट, और ये एक पुरानी दुकान थी तो इनके पास ज़्यादा कस्टमर्स थे, ज़्यादा प्रॉफिट होता था, सेल ज़्यादा था। अब मिस्टर बॉय इनके जस्ट बगल में सेम दुकान और सेम सामान को बेचने लगता है और अपने प्रॉफिट्स को, कस्टमर्स को बनाने के लिए मिस्टर बॉय क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो डाउन कर देता है। अब क्योंकि जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट्स थे वो लगभग सिमिलर थे, जिन प्रोडक्ट्स को मिस्टर एक्स बेचा करते थे उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिस्टर वाई भी अब बेच रहे हैं, तो कस्टमर्स शिफ्ट कर जाते हैं मिस्टर एक्स के दुकान से मिस्टर वाई के दुकान में, जिसकी वजह से मिस्टर एक्स को लॉस होता है, इनका सेल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर वाई ने रॉन्ग कमिट किया है, बट दैट रॉन्ग इज नॉट लीगली जस्टिफाइड। उस रॉन्ग को हम लीगली जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। द रॉन्ग कमिटेड बाय मिस्टर वाई इज मोरल रॉन्ग। क्या है ये? मोरल रॉन्ग है, और क्योंकि ये लीगल रॉन्ग नहीं है तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी वॉयलेशन ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन, एंड इफ देयर इज वॉयलेशन ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स देन प्लेंटिफ शुड बी कॉम्पेंसेटेड एनीहाउ, राइट। तो ये था इंजूरिया साइन डैमनम। इस मैगजीन को मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आप नोट्स पाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स डालता रहता हूँ। और कंप्लीट ADR पर जो नोट्स हैं PDF फॉर्म में, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक दो दिन में मिल जाएगा। तो आप, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, राइट। इस पर्टिकुलर टॉपिक का भी नोट्स आपको कल परसों में मिल जाएगा। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, शाम के टाइम वीडियो बनाने में ये होता है कि चारों तरफ से शोर होता रहता है, तो आज सुबह उठ के मैंने वीडियो बना लिया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।